बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। राज्य अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें माही पोल्ट्री फार्म तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहा है और आपको बता दें कि इस समय हम वार्ड संख्या 23 में हैं और वार्ड संख्या 23 में आपको बता दें कि सीट यहाँ का जो है वो रिजर्व है और कई सारे उम्मीदवार हैं जो यहाँ से अपना किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हम जो पहुँचे हुए हैं कागजी मोहल्ला पहुँचे हुए हैं। आपको बता सॉरी कागजी मोहल्ला आपको बता दें कि कागजी मोहल्ला नवलपुर नया किला और तकिया ये सभी एक वार्ड में आता है और तकिया में अभी जो उम्मीदवार हैं उनके कार्यालय खुला हुआ है। हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस बार भी चुनावी मैदान में हैं? हम लोग चुनाव को मैदान में है, जनता हमको उठाई है, अब तो जनता जानती है कि क्या करेंगे, इसलिए कि हम जनता के ख्वाहिश से हमने उठे हैं और जनता हमको उठाया है, इसलिए कि हम नॉमिनेशन नहीं किए थे। जनता एक बैग हमको जब जबरदस्ती उठा करके खड़ा कर दिया है मैदान में, तो भाई जनता है, जनता के कहने पर आपने नामांकन किया। हाँ, जनता हमको उठाई है, हमको अच्छा, जनता हमको अच्छा समझी है तो हम उठाए, हम जनता के साथ। क्या लग रहा है जिस उम्मीद से जनता ने आपको खड़ा किया है, अगर जनता उसी उम्मीद से आपको चुनाव जिताती है तो उन उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? नम हम उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। मेरा एक सपना है कि जब हम जनता हमको चुनी है, जनता को भावना को हमने पूरा पूरा करें, जनता जो चाहती है जनता के सामने वही करके दिखाए कि फिर दोबारा हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, हम वो काम करेंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि कई सारे ऐसे वार्ड हैं, इस बार 45 वार्ड पूरे सिवान नगर परिषद में हो चुके हैं और 20 तारीख को इसके लिए वोटिंग डाले जाएंगे, 22 तारीख को नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले हम लगातार कई सारे वार्ड में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। सैयदा बेगम जी हैं जो कि ये उम्मीदवार हैं, आपको बता दें काफ़ी एक्टिव महिला हैं और हर कोई भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। क्या कुछ कहेंगी चुनावी मैदान में? आपके चैनल को हमें जितने 23 नंबर वार्ड के जितने हमारे आम पब्लिक हैं उन लोगों को शुक्रिया। मैं यही चाहना चाहती हूँ कि मैं जीतने के बाद हम अपने आम वार्डों का, जितने मेरे वार्ड हैं, हम अच्छा तरीका से इंदिरा, जो भी सरकार हमको देगी इंदिरा आवास और जो सोलर नाली जो अभी ख़राब चल रहा है, कहीं कोई चीज़ पर तवज्जो नहीं है, जो पहले से खड़े हुए हैं वो किस कोई कैंडिडेट जी कैंडिडेट है, आज तक कोई काम बढ़िया नहीं करा है ना। मैं उसी चीज़ को दुरुस्त करूँगी है ना, अपने वार्ड को अच्छा अच्छा तरीका से। जो उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीते हैं वो तो दो बार लगातार रहे हैं शायद जी, और हालांकि ये जो एरिया है पहले कागजी मोहल्ला इसमें नहीं आता था, पहली बार आया है, ठीक है, तो पूर्व में भी आपने चुनाव लड़ा है, इस बार भी आपको मौका मिला है, लेकिन अभी आप पूर्व पार्षद पे गंभीर आरोप लगा रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, मतलब किस तरह का काम नहीं हुआ है? कोई काम हमारे जनता जानने, जनता से आप पूछ सकते हैं, कोई काम अच्छा तरीका से उन्होंने नहीं कराया है ना। जनता चुनती बढ़िया समझता तो फिर दूसरा मैदान में उतरता, अगर जन वो पहले उम्मीदवार अगर वार्ड को अगर संभाल के रखता तो जनता दूसरा क्यों खोजती? उसी को क्या कमी है? बहुत कमी, अब तो जनता बताएगी नो कमी तो हम क्या बताएंगे, जनता सारे बताएंगे क्या कमी है, जनता को कमी मिला तो क्या कहेंगे? महिलाओं को लेकर आप हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, हमने देखा था एनआरसी और सीएम मुद्दे पे भी आप पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, कई सारी सैकड़ों महिलाएं आपके साथ चलती थी, तो अभी कितनी उम्मीद है आपकी महिलाओं से? हमारी महिलाएं जितने इस वार्ड में हैं 23 नंबर वार्ड से हैं, सारे महिलाएं हमको पसंद करती हैं, मैं अपने महिलाओं को पसंद करती हूँ। यानी लग रहा है इस बार बदलाव होने जा रहा है वार्ड में? जी हाँ, बदलाव हो रहा है ना। क्या कहेंगे? बस जीत रहे हैं लोग इंशाल्लाह ताला, जीत रहे हैं। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं जो कि आज बता दें कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और भी कई लोग जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मौसम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि सारे जनता इनके साथ है और हम लोग भी इनके साथ है, सब लोग बदलाव चाहती है, बदलाव हो और सब लोग इनके साथ है, आगे आगे जो है कि विकास का काम हो। एक आरोप लगा रहे हैं पूर्व पार्षद पे कि कोई भी काम नहीं हुआ है, क्या सही बात है? क्या नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, देखिए हर आदमी को चांस देना चाहिए। मान लीजिए कि एक ही प्रधानमंत्री शुरू से आज तक नहीं रहे, एक ही एमपी तो शुरू से आज तक नहीं रहे, सबको चांस देना चाहिए हमारे हिसाब से,
और सबको चांस देना चाहिए। देखिए क्या आगे करते हैं, लग रहा है कि इस बार बदलाव होने की संभावना है। हाँ, उम्मीद तो है। तो यहाँ पर रोशन जी भी मौजूद हैं, आपको बता दें कि रोशन जी एक समाज सेवी हैं और लगातार ये समाज सेवा में रहे हैं। पिछले बार इसी बार से इन्होंने चुनाव भी लड़े थे। हाँ, क्या कुछ कहेंगे रोशन जी? बदलाव बिल्कुल ही जरूरी है, 10 साल से कोई काम नहीं है वार्ड में और लूट खसूट के सिवा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए इस बार आम जनता भी मन बना लिया है कि एकदम सईदा खातून को जिता ही देना है। मन बना लिया टोटल मन बना चुका इंशाल्लाह। घर सबसे चीज़ है कि मोहल्ले की बेटी हैं, मोहल्ले की बेटी हैं और इनको हर घर से इनके प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग ने इनको अपना कैंडिडेट बनाया है। रोशन इमाम जी हैं जो कि पूर्व में इसी मोहल्ले से इसी बार से इन्होंने चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन इस बार इन्होंने सैयदा बेगम को अपना समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं रोशन इमाम जी बता रहे हैं कि सैयदा बेगम जो है इस बार चुनाव जीत कर आएंगी और उन्होंने भी कहा कि अगर चुनाव जीतती हैं तो विकास करेंगी। क्या कुछ कहेंगे चाचा? कहेंगे मतलब कि जो उठा है इसको ठीक से जिताया जाए भाई, ठीक किया जाए। हाँ, और क्या यही है, विकास करे, बढ़िया से आगे बढ़े, यही तो कहना है। सभी लोग विकास की बात कर रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब 20 तारीख को जब चुनाव होगा और वोटिंग डाले जाएंगे और 22 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा जनता ने किसे इस बार वार्ड संख्या 23 का पार्षद बनाया है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला ओवर ब्रिज के नीचे सिवान।